19.6 किलोमीटर भाई साहब, क्या ही माइलेज दे रहा है NS 200 भाई। फुल्ली एक्सेलेटर दे रहा हूँ मैं, पूरा क्लच भी नहीं पकड़ा और किल स्विच भी होने तो खत्म। तो NS 240 वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल ब्लॉग्स। सो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा पास है NS 200। तो आज हम लोग करने वाले NS 200 का माइलेज टेस्ट। तो अभी इसका पेट्रोल हो चुका है पूरा ख़त्म, तो इसलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो पूरा पेट्रोल हो चुका है ख़त्म, देख पा रहे होंगे स्टार्ट मतलब ले कर छोड़ दे रहा है, तो पेट्रोल नहीं है बाइक में। तो ये चेक करें, तो बाइक में पूरा पेट्रोल हो चुका है ख़त्म। तो अभी हम लोग बाइक में भरेंगे पेट्रोल और यहाँ से स्टार्ट होगा माइलेज टेस्ट। तो पहले हम लोग तो स्टार्ट एकदम पूरा ख़त्म, अभी हम लोग पहले करेंगे ट्रिप टू को, करेंगे वन को नहीं करेंगे, ट्रिप टू को करेंगे जीरो पहले। तो ट्रिप टू हो चुका है जीरो, तो यहाँ से स्टार्ट होगा अभी माइलेज टेस्ट स्टार्ट। तो अभी पहले भराते हैं हाफ लीटर पेट्रोल, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अभी यहाँ पे हम लोग भराएंगे हाफ लीटर पेट्रोल। तो यहाँ पे मेरा पास है हाफ लीटर पेट्रोल, तो इसको भराएंगे, फिर मतलब इसको भरा के हम लोग हाफ इंटू टू कर देंगे, तो भी हम लोग का 1 लीटर पेट्रोल का माइलेज निकल जाएगा। तो हम लोग पहले हाफ लीटर का पेट्रोल भरा के देखते हैं कितना का माइलेज देता है हाफ लीटर में। तो फटाफट से भराते हैं बाइक पे। तो यहाँ पे भर चुका है हाफ लीटर पेट्रोल, तो अभी इससे होगा माइलेज टेस्ट। तो कितना का माइलेज देता है हम लोग का NS 200 उसको देखने वाले हैं आज हम लोग। NS 200 BS7 का मॉडल है ये वाला। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया ट्रिप टू को जीरो, दिखाई मिल रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ट्रिप टू हो चुका है पूरा जीरो, तो जीरो से स्टार्ट होगा कितना किलोमीटर चलता है अभी हाफ लीटर पेट्रोल में। तो हम लोग हाफ लीटर पेट्रोल का माइलेज स्टार्ट करके फिर इसको इंटू टू कर देंगे, इंटू टू करते ही हम लोग का 1 लीटर पेट्रोल का माइलेज निकल जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पे करते हैं बाइक को स्टार्ट। तो साउंड तो सुनिए, तो साउंड कितना जोरदार है गाइस, 200 का सुनाई मिल रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहाँ से। तो चलिए कितना का माइलेज देता है NS 200 हाफ लीटर पेट्रोल में, मतलब 1 लीटर ही होगा। तो पहले हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं चलाएंगे बाइक को, नॉर्मल में चलाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हर तरह का मतलब पहले 40 चलाएंगे, फिर 50, फिर मतलब पहले 40, फिर 60, फिर 80, तो 80 तक चलाएंगे। तो 80 तक चलाने से कितना का माइलेज मिलेगा वो हम लोग देखेंगे पहले। तो लगभग 3-4 किलोमीटर 40 में चलाएंगे, उसके बाद हम लोग 50 में चलाएंगे, तो कितना का माइलेज निकलता है देखते हैं। तो आगे पे जा रहा है मेरा डेविल, दिखाई मिल रहा होगा, तो मेरा डेविल को चला रहा है जुबिन, तो वो आगे जा रहा है, तो साथ में है हम लोग का। तो चलिए चलते हैं कितना का माइलेज देता है 200 हम लोग जल्दी से चेक करते हैं। तो अभी आप लोग थोड़ा व्यू का मज़ा लीजिए और उसी के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक का मज़ा लीजिए। तो चलिए, सो ये रहा मेरा डेविल जुबिन। तो ये रहा डेविल, और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं आमोनी। तो ये है आमोनी मेन सेंटर, तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे सामोगुरी का तरफ। तो देखते हैं सामोगुरी जाके पहुंचते हैं कि नहीं हाफ लीटर पेट्रोल में। तो यहाँ से सामोगुरी लगभग है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा देना चाहिए, तो देखते हैं कितने का देता है। तो चलिए,
बाइक लगभग चल चुका है 4.7 किलोमीटर टोटल। तो जब 5 किलोमीटर कंप्लीट होगा तो हम लोग 50, अभी 50-50 में चल रहे, तो 5 किलोमीटर कंप्लीट होते ही हम लोग थोड़ा स्पीड चलना स्पीड कर देंगे, मतलब लगभग 80-90-100 ऐसा चला के देखेंगे ओसा में कितना का माइलेज निकल रहा है। तो दोनों कॉम्बिनेशन मिला के हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा, मतलब स्लो चलाने से और स्पीड चलाने से दोनों को मिला के हम लोग चलाएंगे, तो देखते हैं कितना का माइलेज निकलता है। तभी तो 5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, तो अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा खींचेंगे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा खींच के चलाएंगे, तो 80-90 ऐसा करके चला के देखेंगे, तो अभी मालूम चलेगा एग्जिट माइलेज कितना का दे रहा है। तो अभी हम लोग 80-80 चलेंगे। तो हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से अभी यहाँ तक, मतलब सामग्री पहुँचे नहीं है, अभी सामग्री थोड़ा आगे, पूरा 10 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को दिखाई मिल रहा होगा यहाँ पे पूरा 10.1 किलोमीटर यहाँ पे दिखाई मिल रहा होगा आप लोगों को, 10.1 किलोमीटर पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आगे सामग्री से घुमा के फिर वहाँ से चलाएंगे 100+। तो अभी 100+ में चला के देखेंगे, मतलब 100-110 में चला के देखेंगे। अभी हम लोग 80-85 का अंदर चला रहे थे, तो अभी सामग्री से वहाँ से टर्न लेके फिर हम लोग 100 ऐसा चला के देखेंगे, 100-110-120 ऐसा में चला के देखेंगे कितना का, मतलब कितना दूर चलता है और 0.5 लीटर पेट्रोल में। हम लोग पहुँच चुके हैं सामोगुड़ी, तो अभी हम लोग चल रहे हैं 70 में, 70 का स्पीड में चल रहे हैं अभी हम लोग। तो अभी बाइक लगभग चल चुका है यहाँ पे दिखाई मिल रहा होगा 13.7 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से चलते हैं, मतलब 100-100 में चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 50 भी चला लिया, 80 भी चला लिया, 70 भी चला लिया। तो अभी हम लोग थोड़ा 100-100 में थोड़ा चला के देखेंगे, RPM नहीं उठाएंगे क्योंकि RPM उठाने से माइलेज थोड़ा कम जाएगा, और तो इसलिए RPM नहीं उठाएंगे। तो 13.14 किलोमीटर टोटल चल चुका, बाइक चल ही रहे, मतलब 18 किलोमीटर भाई अच्छा खासा माइलेज दे रहा है NS200। 18 किलोमीटर का रेंज अभी तक पूरा कवर कर लिया है 0.5 लीटर पेट्रोल में, तो अभी भी और कितना चलता है देखते हैं हम लोग। देते 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 जा ही रहा है 19.6 किलोमीटर भाई साहब, क्या ही माइलेज दे रहा है NS200 भाई, 19.8 किलोमीटर। तो 20 तो आराम से 20 आराम से हो जाएगा 19.9 किलोमीटर। तो आप लोग वो दिखा दो, तो यहाँ पे चेक करें 80 का स्पीड में 20 किलोमीटर का माइलेज भाई, तो अभी और कितना दूर चलता है। चल धन्नो, चलो धन्नो, चलो चलो तुम पे ही आशा है, चलो और थोड़ा चलो, 25 दे दो, 50 का माइलेज दिखा दो भाई।
और थोड़ा यहाँ पे पूरा फुल्ली एक्सेलेरेटर दे रहा हूँ मैं, पूरा क्लच भी नहीं पकड़ा और किल स्विच भी होने तो ख़त्म ना, बाइक और नहीं जाएगा, बाइक भी बोल रहा है यार चलो 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 चलो, चल रहा है अभी भी चल रहा है, चलो चलो चलो, चलेगा थोड़ा दूर और थोड़ा सा ना ना, थोड़ा इंजन में प्रॉब्लम देगा फिर इसका, तो बाइक का पेट्रोल यहीं तक 23.3 किलोमीटर, तो इंजन भी ऑफ हो गया है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को तो आप लोगों को यहाँ पे पावर स्विच में अभी भी ऑन है, तो न्यूट्रल करके एक बार देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। तो गाइस ये चेक करें, ऑफ, तो मतलब पूरा दम चला चुका है। नया बाइक है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, इतना ही चलेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर देने से मतलब बाइक में थोड़ा दिक्कत दे सकता है बाद में, मतलब इंजन का दिक्कत दे सकता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे बाइक में। तो किल स्विच इधर दुबिन भाई, तो किल स्विच पूरा मतलब स्टार्ट हो ही नहीं रहा है अभी, लेकिन माइलेज बहुत अच्छा दिया है तो थोड़ा भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। माइलेज बढ़िया दिशा में भी द मन भाल लगी गोल में 23 किलोमीटर में मोयू बाबा ना 15 किलोमीटर भाभी भाई साहब, क्या ही माइलेज मिला एन एस 200 का, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे 23.3 किलोमीटर, तो एक बार आप लोगों को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट नहीं हो रहा है थोड़ा भी, मतलब और थोड़ा ज़्यादा खींचने से 100-200 मीटर मतलब हम लोगों ने नहीं खींचा, क्योंकि नया बाइक है फिर इंजन में प्रॉब्लम देगा। स्टार्ट ऑफ, तो बस इतना तक ही स्टार्ट हो रहा है, दो तीन बार ट्राई करने के बाद तो पूरा मतलब ख़त्म हो चुका है इल्ले। तो इसका माइलेज 23.3 किलोमीटर, तो इसको इंटू करने से निकलता है 46.6 किलोमीटर। तो भाई एन एस 200 का 46 का माइलेज देने का मतलब बहुत ज़्यादा है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 46 का भी माइलेज दे सकता है एन एस 200। मेरा वाला देता है 60 का माइलेज और ये 46, वो भी 200 सीसी का अंदर। भाई साहब क्या ही जहर वाला माइलेज मिला है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला माइलेज देखे, शॉकिंग माइलेज मतलब अनएक्सपेक्टेड, तो कैसा लगा आप लोग जोर से बोलिएगा। यहाँ पे हम लोग का साथ एन एस 200 का ओनर, तो पदुम भाई कैसा लग रहा है माइलेज से देख के, थोड़ा इधर घूमा, धूप आएगा तो क्लियर आएगा ना, तो कैसा लग रहा है अपना बाइक 46 का माइलेज दे रहा है? मुझे पता ही नहीं था 46 का माइलेज दे रहा है। तुमने कितना एक्सपेक्ट किया था कि कितना का माइलेज मिलेगा? ऐसा 28-27, मैं तो मैं मतलब पकड़ा था 35 तक देगा शायद। तो सुबेन कैसा लग रहा है माइलेज देख के? बहुत मतलब जहर वाला 200 का माइलेज बहुत खतरनाक वाला निकला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है माइलेज के लिए। आए कैसा लगा आप लोगों को ये वाला मतलब माइलेज टेस्ट का वीडियो, आप लोग जोर से बोलेगा। तो अनएक्सपेक्टेड था, मैंने पूरा 1 लीटर नहीं, 1/2 लीटर पेट्रोल भरा के यहाँ पे माइलेज टेस्ट किया, क्योंकि 1/2 लीटर भरा के किया इसीलिए क्योंकि 1 लीटर भरने से बहुत रनिंग करना पड़ता है, तो 1/2 लीटर इसलिए भरा है। तो इसको इंटू 2 किया तो हम लोग ने पाया माइलेज 46.6 किलोमीटर। तो एन एस 200 46.6 किलोमीटर देने का मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग 160 देता है 45 का माइलेज, मतलब डीलर से रिकमेंड करता है बजाज एन एस 160 देता है 40 का माइलेज और आपका 200 देता है 30-35 का माइलेज। तो इसका 46 माइलेज देने का मतलब बहुत ज़्यादा दिया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जोर से कमेंट में बोलेगा, और आप लोग का एन एस 200 है तो कितना का माइलेज देता है वो भी नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जोर से कमेंट में बोलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, अगर वीडियो देखा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जोर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।